फिल्म की शुरुआत में हम नोलन को उसके घर पर कुछ पुरानी तस्वीरों को देखता हुआ पाते हैं और पीछे से एक शख्स आकर उसका गला घोटकर मारने की कोशिश करने लगता है और तभी हमें किसी बच्चे की आवाज भी सुनाई देती है जिससे नोलन होश में आ जाता है, यानी कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। इधर नोलन के सामने उसकी बेटी ईवा खड़ी होती है जो उसके चिल्लाने पर उसके पास आई होती है और वहीं हम पूरे घर में काफी सारे नोट चिपका हुआ देखते हैं जिसमें नोलन के दिन भर की चीजें लिखी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नोलन को बोलने की बीमारी है। इसलिए ईवा ने घर में जगह जगह पर ऐसे नोट्स को चिपकाया है जिसके बाद ईवा नोलन को तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर जब नोलन तैयार हो रहा होता है तो ईवा उसे एक तस्वीर दिखाती है जिसे नोलन नहीं पहचान पाता, जिस पर ईवा बताती कि ये उसके बॉस की तस्वीर है जिसका नाम केथी है। अब नोलन ईवा को उसके स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है पर वो ईवा के स्कूल का रास्ता ही भूल जाता है, जिस पर ईवा उसे सही रास्ता बताती है और अब वहीं ईवा नोलन को सिगरेट पीते हुए देखती है। दरअसल नोलन स्मोकिंग नहीं करता था पर उसकी इस हरकत को देखकर ईवा गुस्सा होते हुए उसे तुरंत सिगरेट छोड़ने को कहती है, जिसके बाद नोलन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात केथी से होती है जो उसे ऑफिस में देखकर हैरान हो जाती है। अब नोलन उससे काम के बारे में पूछता है जिस पर केथी बताती कि उसे कब का नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बहुत लापरवाह था, जिस बात से दुखी होकर नोलन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त गैरी से मिलने उसके हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो उसके साथ हुए सारी घटनाओं को बताने लगता है, जो सुनकर गैरी उसे अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना देने की सलाह देकर आज से ही अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहता है, जिस पर नोलन भी गैरी की बातों को मानते हुए उसके कहे मुताबिक काम करने लगता है। अब नोलन को उसकी डॉक्टर नेम लिलियन का कॉल आता है जिनसे बात करने पर उसे ये पता चलता है कि आज उसका चेकअप है, जिस वजह से उसे तुरंत ही लिलियन के हॉस्पिटल पहुंचना होगा। जिसके बाद दोनों लिलियन के पास पहुंचते हैं पर उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी जिस कारण लिलियन किसी और मरीज को देखने लगी है और उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ता है और तभी गैरी को उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल आने को कहता है, जिसके बाद नोलन वहाँ अकेला ही बचता है और इसी बीच उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें लिलियन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में बता रही होती है और यहाँ वो ये शेयर करती है कि यदि किसी मरे हुए इंसान के दिमाग में कोई चोट या बीमारी ना हो तो हम उसकी सारी जानकारी किसी आर्टिफिशियल दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नोलन इसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि एक नर्स आकर उसे अंदर चलने के लिए कहती है जहाँ वो डॉक्टर लिलियन से मिलता है। लिलियन अब नोलन से कुछ सवाल पूछती है पर नोलन उनमें से एक का भी जवाब नहीं दे पाता। तब नोलन लिलियन से अपनी बीमारी के बारे में पूछता है जिस पर लिलियन बताती है ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक गहरी चोट के कारण हुआ है। वो आगे ये भी शेयर करती कि कुछ महीनों पहले तुम्हारे साथ एक खतरनाक हादसा हुआ था जिसमें तुम्हारी पत्नी मारी गई जबकि तुम्हारे सर में काफी गहरी चोट आ गई जिस वजह से तुम्हारी आधी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए तुम्हें कुछ बातें याद है जबकि बाकी नहीं। अब इसके बाद लिलियन नोलन को दीवार पर बने हुए एक प्लस के निशान को देर तक देखने को कहती है, जिसके कुछ ही देर बाद नोलन की आंखें अपनी आप बंद हो जाती है और अगले ही पल वो एक काले अंधेरे में जा पहुंचता है। वो यहाँ से खुद को बाहर निकालने के लिए आवाज लगाता है पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता है और तभी उसे कुछ दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो शख्स उसे पीछे से पकड़ लेता है जिसके बाद वो वापस से होश में आ जाता है। अब इस बार वो अपने सामने लिलियन को पाता है और वो गुस्से में लिलियन से इस बारे में पूछता है। तब लिलियन उसे बताती कि ये सब तुम्हारे दिमाग का एक वहम है, जिसके बाद वो नोलन को कुछ दवाई देती है जिन्हें लेकर नोलन वहाँ से चला जाता है। जबकि लिलियन नोलन के सपने में आए हुए शख्स को लेकर काफी चिंतित होती है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जहाँ उसके स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है पर नोलन उसे लेने के लिए नहीं आया होता। तब काफी देर के इंतजार के बाद ईवा के टीचर उसे लेकर उसके घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही ईवा नोलन से नाराज होते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जबकि ईवा के टीचर नोलन को आगे से ये गलती ना करने के लिए कहते हुए वहां से निकल जाती है। तब नोलन ईवा को मनाने के लिए उसके पास जाता है और ईवा को बताता है कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो डॉक्टर लिलियन से मिलने गया हुआ था इसलिए वो उसे लेने नहीं आया, जो सुनकर ईवा अपने गुस्से को भूलकर उसके साथ खाना खाने चली जाती है। वहीं अब दूसरे दिन नोलन
नोलन वापस से लिलियन से मिलने के लिए जाता है और उनसे इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज करने को कहता है, जिस पर लिलियन उसे एक ब्लैक बॉक्स नाम की मशीन के बारे में बताती है जिसकी मदद से वो अपनी यादों में कभी भी जा सकता है। अब आगे हम लिलियन को उसी मशीन को स्टार्ट करते हुए देखते हैं जबकि नोलन उस मशीन में बैठ जाता है जो देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर तभी उसे अपने सपनों में लिलियन की आवाज सुनाई देती है जहां वो उसे किसी भी दरवाजे को ना खोलने की सलाह देती है क्योंकि इससे वो अपने उस सपने से किसी और सपने में चला जाएगा और ऐसा करने पर वो कभी भी उस सपने से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसके बाद नोलन अचानक से दूसरे सपने में शिफ्ट हो जाता है जो सपना उसका शादी का होता है। अब यहाँ नोलन अपनी पत्नी को देखकर काफी खुश होता है पर जैसे ही वो उसके पास जाता है वो देखता है कि उसका चेहरा धुंधला सा है और वो उसके चेहरे को देखकर उसे पहचान नहीं पा रहा था। और यही हाल बाकियों के साथ भी था क्योंकि नोलन को किसी का चेहरा समझ नहीं आ रहा था। दरअसल नोलन को चोट की वजह से किसी का चेहरा याद नहीं था और तभी नोलन अपनी तरफ एक अजीब से आदमी को आते हुए देखता है जो किसी कीड़े की तरह जमीन पर रेंगते हुए उसके तरफ बढ़ रहा था जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और इसी के साथ वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब नोलन को ऐसे अचानक सपने से बाहर आता देख लिलियन उससे इन सब का कारण पूछती है जिस पर नोलन उसे उस कीड़े जैसे आदमी के बारे में बताता है पर लिलियन को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर इसके बाद नोलन गैरी के पास जाकर उसे ये सारी बात बताता है लेकिन गैरी को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसे वो अजीब सा आदमी क्यों दिखा। तब नोलन उसके और उसके पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में पूछता है जिस पर गैरी बताता है कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार किया करते थे और तुम दोनों के बीच कभी कोई बहस भी नहीं हुई। जिसके बाद नोलन एवा के स्कूल जा पहुंचता है और उसे लेकर अपने घर ही आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसे देखते ही नोलन को एक विजन आता है जैसा कि वो उस बिल्डिंग को जानता हो। तब नोलन उस बिल्डिंग में जाता है जहां उसके विजन्स और तेज होते जा रहे थे। फिर वो एक दरवाजे के सामने जाकर रुक जाता है और उस दरवाजे पर दस्तक देता है जिस पर फिर अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर निकलती है और अब तक नोलन के विजन्स बंद हो चुके थे। वहीं नोलन उस बच्ची से अपनी माँ को बुलाने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो जैसे ही अंदर के कमरों को देखता है तो उसकी विजन्स वापस से शुरू हो जाते हैं मानो वो इस घर में रह चुका हो। और तभी वो उस बच्ची की बीमार माँ को देखता है जिसे देखते ही नोलन डर के मारे भागते हुए बाहर चला जाता है। अब वो एक बार फिर गैरी के पास जाकर उसे उस बिल्डिंग के बारे में बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कमरे में रह चुका हूँ। तब नोलन के बार बार ऐसा कहने पर गैरी को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है इसलिए वो उसे घर बेचकर उसकी मेडिकल फाइल्स को देखने लगता है जिसमें उसे कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। फिर अगले दिन नोलन वापस से लिलियन के पास जाकर ब्लैक बॉक्स के जरिए वापस से सपने में जाने को कहता है जिस पर फिर लिलियन उसे उसके सपने में भेज देती है। अब नोलन वापस से उसी सपने में जा पहुंचता है जहां उसने सपना तोड़ा था। इस बार नोलन उस कीड़े जैसे इंसान को अनदेखा करता है लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर देता है जिस कारण नोलन वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को उसी घर में पाता है जहां उसे विजन आ रहे थे। और तभी नोलन के सामने उसी बच्ची की माँ आती है और उसका चेहरा भी धुंधला सा होता है। अब यहाँ नोलन देखता है कि वही इंसान वापस से उसके पास आ चुका है जो देखकर नोलन को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उस पर अपने पैरों से हमला करता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। और फिर नोलन वापस से दूसरे सपने की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम गैरी को लिलियन के हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो नोलन की दुर्घटना वाले दिन के बारे में किसी से पूछ रहा होता है जिससे उसे ये पता चलता है कि नोलन का दुर्घटना काफी बुरी तरह से हुआ था और उसका बचना लगभग नामुमकिन था लेकिन फिर भी लिलियन ने उसे कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक कर दिया। जिस बात से गैरी को लिलियन पर शक होने लगता है कि नोलन की इस हालत की जिम्मेदारी लिलियन ही है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है जहां उसे ये पता चलता है कि लिलियन नोलन के साथ ब्लैक बॉक्स रूम में है। और इस तरफ नोलन खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहां उसके पूरे शरीर पर अब जख्मी जख्म होते हैं और उसके सामने वही महिला होती है जो कुछ देर पहले धुंधली से दिखाई दे रही थी। नोलन अब उससे उसका नाम पूछता है जिसपे वो अपना नाम मिरांडा बताती है। जिसके बाद नोलन अपने आप को आईने में देखता है तो उसे कोई अलग ही शख्स दिखाई देता है जिसे वो नहीं जानता था।
और तभी उसे वापस से कई विजन्स आने लगते हैं, जिसमें से एक में वो शख्स लिलियन को माँ कहकर बुला रहा होता है, और तभी नोलन का सपना टूट जाता है। पर इस बार वो खुद को नोलन नहीं बल्कि थॉमस के नाम से बुला रहा था, जो सुनकर लिलियन काफी खुश होती है। अब थॉमस लिलियन से उसके दूसरे शरीर में होने के राज के बारे में पूछता है, जिस पर फिर लिलियन रिवील करती है कि उसके साथ जो दुर्घटना हुआ था उसमें उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिस वजह से वो उसे ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका दिमाग अब भी पूरी तरह से ठीक था। और तभी वो नोलन को देखती है, जिसके दिमाग में काफी चोट आई हुई होती है, लेकिन उसका शरीर ठीक होता है। इसलिए उसने थॉमस का दिमाग नोलन के शरीर में डाल दिया, जो सुनकर थॉमस लिलियन पर काफी गुस्सा करता है और उसे नोलन के शरीर से बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर लिलियन उसे समझाती है कि अब यही उसका नया शरीर है। जिसके बाद थॉमस एवा के स्कूल जाता है, जहां एवा अपने पिता का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि अब वो उससे काफी रूडली बात कर रहा था। आगे थॉमस एवा को गैरी के घर ले जाने लगता है और रास्ते में बताता है कि उसे कुछ दिनों तक गैरी के साथ ही रहना पड़ेगा। वहीं नोलन को देखते ही गैरी उसे लिलियन के बारे में बताता है, पर इससे थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा गैरी पर ही चिल्लाने लगता है और एवा को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर थॉमस मिरांडा के घर पहुंचता है, जहां पहले तो मिरांडा उसे अजनबी समझकर दरवाजा ही नहीं खोलती, पर थॉमस उसे उसके निकनेम से बुलाता है तो मिरांडा को मजबूरन दरवाजा खोलना ही पड़ता है। अब इसके बाद थॉमस मिरांडा को लिलियन द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को समझाता है और तभी थॉमस के दिमाग में एक जोर का दर्द उठता है, जिस कारण वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो मिरांडा को धक्का देते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे घूरने लगता है। और तभी पीछे से मिरांडा उसके सिर पर एक जोर का वार करती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें खुलने पर वो खुद को गैरी के घर के सामने पाता है, जहां एवा और गैरी खड़े होते हैं। अब यहां थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अपने घर से यहां कैसे आया। तब हमें पता चलता है कि ये सब थॉमस का एक वहम था, दरअसल वो एवा को गैरी के पास छोड़कर गया ही नहीं था। वहीं थॉमस की इस हालत को देखकर गैरी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर थॉमस उसे धक्का देते हुए वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो सीधे लिलियन के पास जा पहुंचता है, जहां वो अपने साथ हुए दुर्घटना के बारे में बताता है, जो सुनकर लिलियन हैरान हो जाती है, क्योंकि बिना ब्लैक बॉक्स के ऐसा कुछ भी होना बिल्कुल असंभव है। तब लिलियन थॉमस को समझाती है कि उसे अपने अंदर के नोलन को मारना होगा, वरना उसे ऐसे विजन आते रहेंगे, जिसके बाद वो थॉमस को वापस से ब्लैक बॉक्स में ले जाती है। इधर गैरी इंटरनेट पर लिलियन के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसमें उसे थॉमस के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो लिलियन की दिमागी यादों को वापस से बदलने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ता है, जो पढ़कर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि लिलियन ही नोलन के साथ ऐसा कुछ कर रही है, जिसकी वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा है। इसलिए वो एवा को लेकर तुरंत लिलियन के हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। उधर थॉमस वापस से नोलन की यादों में चला जाता है, जहां उसे वापस से वही कीड़े सा इंसान दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसे उसका चेहरा अच्छी तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नोलन ही था, जो थॉमस को अपने शरीर से निकालने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं लिलियन उसे नोलन को मार देने के लिए कहती है, जिस पर थॉमस नोलन को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है, और जैसे ही वो नोलन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी लिलियन के पास गैरी और एवा आ जाते हैं, और थॉमस एवा की आवाज सुनकर रुक जाता है, और फिर उसे वापस से काफी सारे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो अपने पूरे परिवार को देखता है। वहीं दूसरी तरफ एवा नोलन की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर थॉमस को काफी पश्चाताप होता है और वो नोलन को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर वो उस दरवाजे को खोल देता है जिसे लिलियन ने खोलने के लिए मना किया होता है, क्योंकि उस दरवाजे के खुलते ही वो अंधेरे में खो सा जाता है। वहीं इस तरफ नोलन को होश आता है, लेकिन जैसे ही लिलियन को इस बात का पता चलता है कि ये थॉमस नहीं बल्कि नोलन है, तो वो वापस से ब्लैक बॉक्स को चालू करने की कोशिश करती है, पर गैरी उसके ऐसा करने से पहले ही ब्लैक बॉक्स को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से थॉमस अब हमेशा के लिए उसी अंधेरे में फंस के रह जाता है और नोलन की यादें पूरी तरह से वापस आ जाती है। जिसके बाद हम नोलन को एवा के साथ काफी खुश देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिरांडा अपनी बेटी के साथ शहर छोड़कर जा रही होती है, और तभी उसे पता चलता है कि लिलियन को उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से नौकरी से निकाल
डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी लिलियन ने हार नहीं मानी है और वो अपने बेटे थॉमस को वापस से जिंदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।